साथ में हम ऐड कर देंगे जिंजर एंड ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर। मेरा कोरिएंडर लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वही है और अभी तक सही है, एकदम फ्रेश है। बिल्कुल काम कर गया। बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। She doesn't know what is even shaitani shal. Don't ask her like this question. The parents भी नमाज पढ़ने लगे हमारे साथ आज। खुतबा स्टार्ट हो गया अभी 5-10 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है फ्राइडे, 10 बज रहा है, अभी हम लोग सब उठ गए हैं। आज इशार की फिर एब्सेंट हो गई। सुबह में मेरी आँख खुली, 5 बजे अलार्म बजा और मैंने बोला कि 5 मिनट के बाद उठ जाती हूँ। अलार्म बंद करके मैं वापस सो गई, तो उसके बाद उठी हूँ 6:10 पे, तो फिर बस नमाज पढ़ी और वापस सो गई, क्योंकि 6:10 बजे मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका था। 10 मिनट के बाद इशार की बस आ जाती थी, इतनी देर में इशार रेडी भी नहीं हो पाती। बेडशीट वगैरह मैंने अभी चेंज कर लिए, इशार की भी चेंज कर दी। हाँ, लड़के आज गिटार प्ले करिए, इसने खुद उतार के लेके आई है। एक बज गया है, बस अभी 15 मिनट बाकी है नमाज के लिए। तो अमित भी सो गए हैं, इल्हाम को भी नींद आ गई है, अभी सो रही है। इशार बस अभी नमाज पढ़ने के लिए रेडी हो रही है। मैं आ गई हूँ किचन में, आज मैं बना रही हूँ चिकन अलमारी। यहाँ पे 2 मीडियम साइज की अनियन मैंने चॉप कर ली और 1 चम्मच के बना तेल डाल दिया और अनियन को हम फ्राई कर लेंगे। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पे जिंजर और 3 ग्रीन चिली और ये है जिंजर वाले, ये 2 टेबल स्पून होगा। और ये है निहारी मसाला। तो यहाँ पे अनियन गोल्डन ब्राउन कर ली थी मैंने, अब हम गोश्त को भून लेंगे। और जिंजर गार्लिक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको मसाला ऐड करेंगे। खुतबा स्टार्ट हो गया अभी 5-10 मिनट में, जुमे की प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। आज वॉशिंग डे है, सब लोगों ने कपड़े वॉश किए, मैंने भी वॉश करने डाल दिए। जब मैं कभी भी किचन में कोई करी आइटम बना रही होती हूँ और मसाला भून रही होती हूँ, जब अपन फ्रेश जिंजर गार्लिक उसमें ऐड करते हैं तो उसकी इतनी अच्छी स्मेल आती है। तो इल्हाम आके पूछती है कि मम्मा यू आर कुकिंग सूप, क्योंकि उसको उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये मैं एक पैकेट है मेरे पास, लेकिन इसमें से मैंने थोड़ा यूज़ किया हुआ है, एक पैकेट से कम है ये मसाला। 1 चम्मच में धनिया ऐड कर रही हूँ, नमक मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाले में नमक होता है। बाद में इसको मैं चेक करूँगी, अगर नमक की ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी। She doesn't know what is even shaitani shal. Don't ask her like this question. The parents भी नमाज पढ़ने लगे हमारे साथ आज। पेरेंट्स को भी नमाज पढ़ानी। मसाला अच्छी तरह से भून गया, अब हम इसको गलने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, अब इसको 30 मिनट के बाद चेक करते हैं। फ्लेम को मैंने लो कर दिया एकदम। आज हम लोग वापस से नादल हमार जा रहे हैं हम के वैक्सीन के लिए, बस अभी निकल रहे हैं। 8 बजे तक खुला है तो अभी 6:30 बज गए और मैंने मतलब निकलने से पहले कॉल कर लिया था। तो हम लोग पहुंच गए हैं दुबई हेल्थ, और जैसे ही हम लोग अंदर गए वहां पे
एंट्रेंस के पास ही टोकन मशीन रखी होती है, तो वहाँ पे आप लोग से वो पूछते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट लिए या फिर आप वॉक इन हो। तो हमको हमने उनको बता दिया था कि मतलब हमने सेकेंड डोज लेनी है रेबीज की। फर्स्ट डोज हमने ले ली थी और सेकेंड डोज हमने मिस कर दी थी क्योंकि हम लोग उमुल क्वीन हेल्थ सेंटर में चले गए थे, तो इसके लिए अभी हम लोग वापस से यहाँ पे आए। तो उसने बोला कि पहले आप कैशियर में जाएं, तो कैशियर में हम लोग गए तो उसने बोला कि सिर्फ जो मेडिसिन है वो सिर्फ 3 दिन के लिए अप्रूव रहती है, उसके बाद अगर आप नहीं आओगे तो वो फिर कैंसिल हो जाती है। तो उसके लिए आपको वापस से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर जब डॉक्टर अप्रूवल देगा तब आप वापस से वैक्सीन ले सकते हो। तो फिर हमने वैसे ही किया, हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर उसकी पेमेंट करी 112, उसके बाद फिर वैक्सीन की पेमेंट करी, फिर वैक्सीन ली और अब हम लोग घर आ गए। तो निहारी में अभी पानी ख़त्म हो गया है तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँ। दोपहर में बस मैंने इसको पका लिया था 30 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया था। तो अभी इसमें हमने आटा घोल के डालना है और ये कल के चावल है, इसको भी मैं गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून आटा लिया है, ये घर का आटा है, चक्की का आटा जिसे बोलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ नमक सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर और ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह, बस मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में हम ऐड कर देंगे जिंजर एंड ग्रीन चिली, कोरिएंडर। मेरा कोरिएंडर लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वही है और अभी तक सही है, एकदम फ्रेश है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ पे खाना रेडी हो गया था और जब मैं सर्व करने लगी थी तो रमीश के मामू और कज़िन भी आ गए थे, तो हम सब ने मिलके साथ में डिनर कर लिया था। बिल्कुल काम कर गया। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।